हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अगर फिर से आप सभी का माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार मौसम समाचार प्रत्येक दिन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं बिहार मौसम समाचार के बारे में। तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक विगत 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पश्चिमी भाग के अधिकांश स्थान मध्य और पूर्वी भाग में वर्षा दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग में भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बने निम्न दबाव का क्षेत्र सतना, डाल्टेनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 20 सितंबर से 22 सितंबर तक वर्षापात की संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो 22 सितंबर को इन जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में भी 22 सितंबर तक अनेक स्थान पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में हल्के और मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं पटना, गया, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में 22 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम और सीमावर्ती पश्चिमी मध्य प्रदेश की खाड़ी में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर तक विस्तारित है और इसके अगले 12 घंटे तक ओडिशा के तट पर पहुंचने का अनुमान है। तो दोस्तों, बिहार मौसम समाचार में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर के साथ साथ बिहार मौसम समाचार भी रोजाना मिलती रहे।